फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, एक कॉमन इशू काफ़ी ज़्यादा आ रहा है अभी। जो लोग भी ई कॉमर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उनका जो शिपिंग बिल का डेटा है, CSV5 का जो कुरियर शिपिंग बिल का डेटा है, वो RBI के EDPMS में फ्लोट नहीं हो रहा है। तो आपके सामने ये स्क्रीन पे आपको नीचे दिख रहा होगा, तो ये जो पोर्टल है गवर्नमेंट का, ECCSmobility.CBIC.gov.in, इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। तो आप इस पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं, अपने शिपिंग बिल का आप डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कौन सा डेटा आपका फ्लोट हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है। बट ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, वो उसमें मैं ये बात करने वाला हूँ कि यहाँ पे जो डेटा फ्लो नहीं हो रहा है और किस रीजन से वो डेटा फ्लो नहीं हो रहा है, तो उसमें बैंक जो है आपका EBRC प्रोसेस नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि पहले आप अपना जो शिपिंग बिल है उसको अमेंड करवाइए और जब डेटा EDPMS में आएगा उसके बाद ही वो आपका BRC जो है वो प्रोसेस कर पाए। पहले जो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के शिपिंग बिल्स थे, वो उसका डेटा RBI के पोर्टल पे नहीं जाता था, तो वहां पे जो बैंक है वो IRM नंबर के अगेंस्ट ही आपका शिपिंग बिल जो है प्रोसेस कर देते थे। बट अभी ये चीज जाने लगी है और अभी इसका एक रिलेटेड एक सर्कुलर है, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। वो सर्कुलर भी इसी इश्यू के रिगार्डिंग है। तो जिनके जो डिटेल्स है, डेटा फ्लो नहीं हो पा रहा है, वो क्यों नहीं हो पा रहा है, किन रीजन से नहीं हो पा रहा है और आपको क्या करेक्टिव एक्शन लेने और इसको रिजॉल्व करना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये पोर्टल का लिंक तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा ही। अब देखिए यहाँ पे स्टेटस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ CSB मतलब कुरियर शिपिंग बिल टू RBI EDPMS। तो यहाँ पे मैं देखूंगा, ये क्रिटिकल डिटेल्स मैंने हाइड किया है। द CSB हैज नॉट बीन ट्रांसमिटेड फ्रॉम ECCS टू EDPMS RBI ड्यू टू इनकरेक्ट मिसिंग AD कोड। प्लीज एडवाइज योर ऑथोराइज कुरियर टू अप्लाई फॉर अमेंडमेंट ऑफ CSB इन ECCS। तो यहाँ पे ये एक एरर आ रहा है। इसी तरह के बड़े सारे एरर्स आ रहे हैं, मैं सारे एरर्स आपको दिखाऊंगा। एक सर्कुलर है गवर्नमेंट का, वो मैं आपको दिखाऊंगा और उसको करेक्ट करने के लिए क्या करना है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं सर्कुलर खोल देता हूँ और ये सबसे कॉमन इशू है। और ये इशू क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका जो शिपिंग कंपनी है, जिस भी शिपिंग कंपनी से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आपका AD कोड जो है वहाँ पे गलत डाल रहा है। सो वो 14 डिजिट का डाल रहा है एंड आइडियली उसको इनिशियली जो स्टार्टिंग के 7 डिजिट्स होते हैं वही उसको डालने हैं। तो आपको ये करेक्ट करवाना है, क्योंकि जो ऑर्डर्स आपके प्रोसेस हो चुके हैं, ऑलरेडी शिप हो चुके हैं, शिपिंग बिल जनरेट हो चुके हैं, उनको अमेंड कराना तो काफी डिफिकल्ट टास्क है, आपको शिपिंग कंपनी को बोलना पड़ेगा। बट फ्यूचर में ऐसे इश्यूज ना आए और आपके प्रॉपर BRC ये सारी चीजें प्रोसेस हो, ताकि आपके पास कोई नोटिस और ये सारी प्रॉब्लम बाद में ना क्रिएट हो, तो उसको कैसे करेक्ट करना है, आप इस पोर्टल पर जाके सबसे पहले तो चेक करिए कि जो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट आप ऑलरेडी कर चुके हैं वो ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्या एरर मैसेज आ रहा है और एरर मैसेज को कैसे रिजॉल्व करना है। चलिए मैं सर्कुलर खोलता हूँ और वहां पे आपको सारे एरर मैसेज दिखाता हूँ कैसे आपको रिजॉल्व करना। तो देखिए ये गवर्नमेंट की जो CBIC है, उनकी एडवाइजरी आई हुई कि कैसे इसको रिजॉल्व करना है। तो एडवाइजरी की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, इसका लिंक भी जो हमारी वेबसाइट में हम क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स डालते हैं वहां पे मैं ये सर्कुलर डाल दूंगा, तो आप इस सर्कुलर को एक्सेस कर सकते हैं। और जो मैं अभी आपको पोर्टल दिखा रहा था, जहाँ से आप चेक करेंगे कि आपका जो CSV5 का शिपिंग बिल है वो RBI के पोर्टल पे EDPMS पे हुआ है कि नहीं, ट्रांसफर हुआ है, ये लिंक यहाँ दिया हुआ है इसी सर्कुलर में, तो यहाँ से भी आप उस पर जा सकते हैं। आप नीचे इसी सर्कुलर में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सारे इश्यूज इनने बताए हुए हैं, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं और कैसे आपको उसको रिजोल्व करना है। तो यहाँ पे जो AD कोड वाला जो मैंने अभी स्क्रीन पे खोला हुआ था, ये थर्ड इशू आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आ रहा है, फर्स्ट 7 डिजिट ऑफ AD कोड इज रजिस्टर्ड इन आइसगेट पोर्टल शुड बी एंटर्ड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग CBE और CSV फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टू RBI। तो यहाँ पे ये सबसे पहले जो इशू है ये एक AD कोड के रिलेटेड आ रहा है। ये सेकंड पॉइंट देखेंगे नॉन ट्रांसमिशन ऑफ CSV डेटा टू RBI, तो इसमें भी यही आ रहा है कि वैलिड 7 डिजिट का AD कोड होना चाहिए। एक्सपोर्टर बैंक अकाउंट नंबर जो है वो करेक्ट डालना है, आपकी शिपिंग कंपनी को जो एंटिटी है वो करेक्ट डालनी है। तो ये तीनों चीजें रिजॉल्व फील्ड करेक्ट फिल करने हैं, तभी आपका जो डेटा है वो RBI के EDPMS में फ्लोट होगा। तो ये डेटा कौन डालेगा, ये आपकी शिपिंग कंपनी डालेगी। तो अभी तक वो गलत डाल रही है, ज्यादातर जो इश्यूज आ रहे हैं मेरे पास, क्योंकि काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, वीडियो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग के हैं, तो उनको हम अपना 1 ईयर का सपोर्ट देते हैं। तो अभी एकदम से मेरे पास ये सारी क्वेरीज आने लगी, बहुत लोग BRC प्रोसेस नहीं हो रहे थे, तो सबके केस में यही आ रहा था कि डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो देखिए पहले क्या होता था, हम 14 डिजिट का AD कोड जो होता है वो डालते थे सब जगह पे, जो बैंक लेटर आता है उसमें भी 14 डिजिट का AD कोड आता था, शिपिंग कंपनी भी 14 डिजिट का AD कोड हम वहाँ पे डालते थे, एक्सपोर्ट इन्वाइस में भी हम 14 डिजिट का डालते थे। बट अभी जब ये प्रोसेस आ गया है, तो ये जनवरी का सर्कुलर है, इस पर आप पर डेट देख सकते हैं,
तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ये 7 डिजिट ही ये एक्सेप्ट कर रहा है, इनिशियल 7 डिजिट। तो ईडी कोड हमेशा शुरू के 7 डिजिट ही होते थे, बट बैंक जो आपको शेयर करता है वो 14 डिजिट का शेयर करता है, तो आगे वो बैंक और ब्रांच का डिटेल होता है। तो यहाँ पे आपकी शिपिंग कंपनी अभी सबसे कॉमन गलती क्या कर रही है, क्योंकि वो सालों से यही चीज चल रही थी और ये डेटा तो फ्लोट नहीं हो रहा था, तो ये इशू पहले आ नहीं रहा था, अभी आ रहा है। तो आपको अपनी शिपिंग कंपनी को कॉन्टैक्ट करके सबसे पहले अपना 7 डिजिट का ईडी कोड अपडेट करवाना है, क्योंकि वो लोग अभी आपका 14 डिजिट का डाल रहे हैं, तो ये एरर आएगा और आपका डेटा फ्लोट नहीं होगा। और इसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो करेक्ट अपडेट करवाना है। तो एक्सपोर्ट इनवॉइस आप बना रहे हैं वहां पे भी आप 7 डिजिट का ही एडी कोड डालिए। एडी कोड जो आपको बैंक ने दिया होगा लेटर में वो 14 डिजिट का होगा, तो आपको ध्यान रखना है जो शुरू के 7 डिजिट है वही आपका एडी कोड है। बहुत लोग बाद के 7 डिजिट डाल रहे हैं तो वहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इनिशियली 7 डिजिट आपको डालना है, जो आप आइस गेट में आपने जो एडी कोड रजिस्टर कराते वक्त डाले थे वही इनिशियल 7 डिजिट आपको डालना है। और ये आगे ऐसा इशू ना आए तो आपको अपनी शिपिंग कंपनी को कॉन्टैक्ट करके इसको अपडेट करवाना है, उनको बोलना है कि वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो ECS पोर्टल में जहाँ पे वो आपके कुरियर शिपिंग बिल को फाइल कर रहे हैं वहाँ पे करेक्ट डिटेल्स डालें, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके अलावा कोई और इशू आ रहा है तो ये सारे इशूज यहाँ मेंशन है इस सर्कुलर में, आप इसको रिफर कर सकते हैं। और ये इसका पूरा मैं लिंक डाल दूंगा अपने वेबसाइट में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे आप यूट्यूब के, वहाँ पे वेबसाइट में पेज है, जितने भी गवर्नमेंट के सर्कुलर्स होते हैं इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स होते हैं वो सारे मैंने डाले हुए हैं, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और आपको आगे प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो होप सो ये बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन थी, ऑलमोस्ट ज्यादातर जितने भी ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम आ रही है जो काफी टाइम से एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो ये चैलेंज काफी लोगों को आ रहा है, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाया जाए। इसी तरह क्रिटिकल डिटेल्स पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो भी टॉपिक ज्यादा आते हैं उन पे मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। प्लस आपको पता ही है अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस अमेजोन US ग्लोबल ईबे एटसी वॉलमार्ट अलीबाबा इन सब के लिए आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वीडियो कोर्स के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो exportwala.com साइट विजिट कर सकते हैं, सारे डिटेल्स वहाँ पे अवेलेबल है, नीचे दिए हुए नंबर्स पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए ओके, बाय बाय।